अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो तमाम लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं कमीशन की पोस्टों के लिए। लेकिन कमीशन को हाल ही में मरसला जारी हो गया है कि BPS 17, जिसमें AST हो गया, SST हो गया, SDM हो गया और SHT हो गया, जो 17 ग्रेड के पोस्टों के लिए तमाम टीचिंग स्टाफ, स्कूल डायरेक्टर जो स्कूल के है, उनको मरसला जारी कर दिया गया है। सून आप लोगों को मिल जाएगा कि 17 ग्रेड पर पोस्टों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन आप लोगों को से रिक्वेस्ट करेगा दरख्वास्त जमा करने के लिए। तो आप लोग तैयारी करें तमाम लोगों के लिए, जिन्होंने खुशखबरी भी है और नवी बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी यार, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, SBK में टेस्ट दिया है, अगर उधर वो आप लोगों का नहीं हुआ तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए कि BPS 17 ग्रेड पर आप लोगों के लिए पोस्टें आ रहे हैं, वो भी कमीशन के बेस पर। तो कमीशन वाले कमीशन कमीशन कर रहे थे, तो आप तैयारी पकड़ ले। तैयारी आप लोगों ने अगर शुरू नहीं किया है आज से शुरू करें। 8 सितंबर को मतलब ये डेट दिया है, लेकिन 15 सितंबर या 20 सितंबर तक आप लोगों को जो अनाउंसमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन करके आप लोग फिर जमा करें अपने फॉर्म्स। तो अब यहाँ पर कौन लोग एलिजिबल है? तमाम लोग एलिजिबल है जिन्होंने BA किया है। BA के मतलब कमीशन के जितने पोस्ट होते हैं वो BA की बेस पर ही होते हैं, या आप लोगों ने किसी भी फील्ड में BS किया है या BEd किया है या MA किया है, तो आप लोग एलिजिबल है। और वो दोस्त जो तैयारी कर रहे थे पहले से, दरमियान में स्टॉप किया है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली अपनी तैयारी। आप लोगों को पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन किस तरह टेस्ट लेता है, और ज़्यादातर उसकी जो टेस्ट होते हैं रिटर्न होते हैं। तो रिटर्न टेस्ट के लिए आप लोगों को ऐसे फिर ऐसे, या आप लोगों के जो सब्जेक्ट से रिलेटेड या SST के लिए, मतलब कुछ ऐसे आप खुद सर्च करें पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट्स या प्रीवियस पास पेपर्स देखें, तो आप लोगों के लिए बढ़िया मौका है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो तमाम लोगों के लिए जो SBK में टेस्ट दिया है। थोड़ी मायूस है, मायूस है तो मायूस मत हो जाए। आप लोगों के लिए बहुत जल्द पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू पोस्टों की मरसला तो जारी हो गया है, लेकिन अब इश्तहार अखबार में नहीं आया, सुन आएगा। आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हो, ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को हायर किया था कि आप लोग 17 ग्रेड की जो पोस्टें हैं उनको सुन अनाउंस करें, ताकि जो लोग बेरोजगार है उनके लिए 17 ग्रेड बहुत बढ़िया ग्रेड है। तो उसके लिए आप लोगों की पोस्टिंग तमाम, मेल भी एलिजिबल है, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है, और पोस्टें मतलब अभी तक मेंशन नहीं कितने हैं, लेकिन लग ऐसा रहा है बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं, 30 से ऊपर होंगे या 40 से मेरे मुताबिक, अंदाजे के मुताबिक। तो काइंडली आज से तैयारी शुरू करें, ये मत कहे कि जैसे अनाउंस होंगे तब तैयारी से शुरू करेंगे, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली, पोस्टें आते रहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, ज़्यादातर मेरिट होता है, तो मेरिट के लिए आप लोग कमीशन बेस्ट सोर्स है। आप लोग तैयारी अपने जात से जहाँ तक मुमकिन है करें तैयारी, आप लोग अपने फील्ड से रिलेटेड तैयारी कर सकते, जिस तरह आप लोगों ने BS फिजिक्स किया या BS केमिस्ट्री किया या BS इंग्लिश किया है, तो ये पोस्ट है टीचिंग स्टाफ के लिए। तो टीचर बनना चाहते हैं मतलब 17 ग्रेड पर या स्कूल में या कॉलेजेस में, तो आप लोगों को बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों को ज़्यादातर ये जो पोस्टें होंगे ये स्कूल लेवल पर होंगे, मतलब 17 ग्रेड के जो 9th 10th या ST SDM या SAT, ये पोस्टें है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, काफ़ी लोगों को तो पता भी है कमीशन के लिए हवाले से, लेकिन ज़्यादातर लोग कमीशन को नहीं देखते और कमीशन के जो पेज है वो फॉलो नहीं करते और कमीशन की पोस्टों के लिए अप्लाई नहीं करते, कहते कि तो बहुत बड़े बड़े पोस्ट है, हमें तो चाहिए 9 ग्रेड का, 12 ग्रेड का। यार आप लोग अपना लक आजमाए, हर जगह अप्लाई करें, कभी भी किस्मत आप लोगों की खुल सकती है, तो किस्मत को आजमाते रहे। आप लोग तैयारी अपने खूब करें, लेकिन किस्मत लाजमी आजमाना है, ये नहीं कि ऐसे मतलब मैंने कमीशन में अप्लाई नहीं करना है या ये जो पोस्ट है बहुत टफ टेस्ट। कमीशन का टेस्ट तो आप लोगों को पता है टफ होगा, वहाँ पर नकल मतलब गुमान भी नहीं है, नकल बिल्कुल नहीं है। तो मेरिट है वहाँ पर, 100% मेरिट नहीं, लेकिन ज़्यादातर मेरिट है कमीशन में। तो कमीशन के लिए आप लोगों ने इसका रिक्वायरमेंट मैंने बता दिया, आप लोगों ने BA अगर कर चुके तो एलिजिबल है, या BEd MA या किसी भी यूनिवर्सिटी से मतलब 16 ग्रेड या 14 ग्रेड की 14 मतलब तालीम आप लोगों ने हासिल की है, तो आप लोग एलिजिबल है। तैयारी लाजमी करें और सुन आप लोगों को पोस्टें अनाउंस मिल जाएंगे, और आप लोग फिर अप्लाई करें। अप्लाई करने का तरीके भी मैंने एक वीडियो दिया है, आप उसमें चेक करें, और काफ़ी लोगों को तो पता है किस तरह अप्लाई होता है, बहुत आसान प्रोसेस है। फिर बता देता हूँ कि आप कमीशन की वेबसाइट पर जाए, अपने आप को रजिस्टर करें, जब भी आप लोगों ने अप्लाई करना है बस आप लोग पहले से रजिस्टर हो जाते हो, लॉगिन कर लेते हो, फिर आपने सिर्फ फीस चालान है नेशनल बैंक में जमा करते हो, तो फिर वहाँ पर तस्वीर लेकर वहाँ भेज दे, आपका रोल नंबर स्लिप, आपका सब कुछ वहाँ पर पहले से मतलब एक बार कर दे, आप लाइफ मतलब लाइफ टाइम के लिए वो हो जाता है। तो सिंपल तरीका है, और तैयारी लाजमी करें, ये नहीं कि जब पोस्टें आएंगे तब मतलब तैयारी करेंगे। आप कमीशन की जो सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे कहाँ से, शाह फोटो स्टेट से भी मिल जाएंगे आप लोगों को। कमीशन के जो पास पेपर्स किस तरह होते हैं, 17 ग्रेड के या SST के या SDM के या SAT के, ये जो पोस्ट है 17 ग्रेड के स्कूल डायरेक्टर स्कूल के थ्रू हो जाते हैं, तो ये पोस्टों के लिए लाजमी अप्लाई करना है आप लोगों ने। ज़्यादा पोस्टें होंगे मेरे अंदाजे के मुताबिक, ज़्यादा तकरीबन 40 से प्लस होंगे, और ये
सबके लिए, तमाम बलोच संघ के लोगों के लिए, और किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक है डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं है, और ओवरऑल बलोच संघ के लिए। तो ज़्यादातर अगर आप लोगों के स्कूल्स में देखिए, आप लोग मतलब बहुत जल्द आप लोगों को खुशखबरी सुनाऊंगा कि कितने डिस्ट्रिक्ट के लिए, मतलब ज़्यादातर जब आपके जो डिस्ट्रिक्ट में स्कूल्स है उन्हीं स्कूलों के लिए आएंगे, तो इस तरह ग्रेड पर। तो इंशाल्लाह वो वीडियो में बताऊंगा जैसे अनाउंस होते हैं। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट ने SBI की वो कमीशन को कहा है कि 8 सितंबर तक मतलब आप कंफर्म कर दे कहाँ का पोस्ट खाली है, उनके लिए आप मंथ से करें। मसला जारी तो कर दिया है, लेकिन सुन आप लोगों को खुशखबरी सुना देंगे कितनी पोस्टें हैं, और पोस्टें ज़्यादा है तो तैयारी लाजमी करें। अपना रखिए ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।